हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पिकअप गार्डनिंग। दोस्तों, हमारे पास में है एक नेचुरल बॉन्साई जिसे हमने कुछ समय पहले शेप दिया था। आज हम इसे रिपोर्ट करने वाले हैं, साथ ही साथ एक लैंडस्केप इसके साथ में हम क्रिएट करेंगे। फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू रिपोर्ट दिस चेरी इनटू अ न्यू पॉट, स्लाइटली बिगर देन दिस पॉट। पॉट हमने पहले से तैयार कर दिया है। पॉट के बेस में हमने ग्रिट की एक लेयर बिछाई है ताकि सॉइल वेल ड्रेन्ड रहे। अब हम इसके अंदर हमारी बनाई हुई बॉन्साई सॉइल मिला रहे हैं और फिर ऊपर से प्लांट को रखेंगे और चारों तरफ से सॉइल को प्रेस करेंगे। दोस्तों, लगभग 15 दिन हुए हैं और हमारे प्लांट के ऊपर काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। हरी हरी लीव्स आपको दिखाई दे रही है। दिस इज़ माई नेचुरल बॉन्साई। दिस इज चेरी प्लांट फ्रेंड्स, एंड वी हैव गॉट फ्लावर्स। होपफुली वी विल गेट फ्रूट्स ऑन दिस प्लांट। This is a natural bonsai. We haven't used wires on this plant. Today we are going to prune a few branches and add a few rocks and figurines. This is my under training cherry bonsai. दोस्तों, आज हम इसके अंदर कुछ रॉक्स, फिगराइंस और नेचुरल ड्रामा क्रिएट करने वाले हैं। रॉक्स हमने पहले से सेलेक्ट कर लिए हैं, हमारे पास बहुत सारे रॉक्स हैं। प्लांट्स के साथ में जब रॉक्स को रखा जाता है तो एक नेचुरल लैंडस्केप सा क्रिएट होता है और वो काफ़ी खूबसूरत लगता है। हमारे पास है स्मॉल प्लांट्स जिन्हें हम इनके साथ में लगाने वाले हैं। साथ ही साथ हम ऐड करने वाले हैं एक फिगराइन। अब हम इसकी थोड़ी बहुत प्रूनिंग करेंगे ताकि थोड़ा इसे शेप में लाया जा सके। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, ब्रांच को लंबा होने दें।
जैसे कि ये ब्रांच काफ़ी लंबी हो गई है, आउट ऑफ शेप हो गया है, तो 7 से 8 पेयर के लीव्स इसके ऊपर हैं, तो हम 2 पेयर तक का इसे काट देंगे। दोस्तों हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें डायरेक्शनल प्रूनिंग के बारे में बताया है, तो आप ज़रूर देखिएगा, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा वीडियो है। सो फ्रेंड्स, अब इसका ओवरऑल शेप काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये एक नेचुरल बॉन्साई है जिसमें हमने वायरिंग बिल्कुल भी नहीं करी है। प्लांट को ग्रो होने दें, ब्रांच को मैच्योर होने दें, उसके बाद प्रून करें। जिस डायरेक्शन में आपको ब्रांच चाहिए उस डायरेक्शन में प्रून करें। काफ़ी खूबसूरत इसका स्ट्रक्चर है, इसके मूवमेंट्स देखिए आप। ये ब्रांच नेचुरली यहाँ की तरफ जा रही थी, हमने इसे ग्रो होने दिया और फिर इसे हमने प्रून किया, तो जो बाद वाली जो ब्रांच थी, सेकेंडरी ब्रांच, वो अगेन ग्रो हुई। इस तरीके से हमने इसे एक नेचुरल शेप दिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।